तो दोस्तों, वेदर से संबंधित या आप ये कह सकते हैं कि मौसम की जानकारी से संबंधित बड़ी अपडेट जो है वो इस समय निकल करके सामने आ रही है। भारतीय मौसम विभाग के द्वारा यानी IMD के द्वारा जो है वो बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है, जिसके अनुसार उत्तर भारत सहित लगभग 14 राज्यों के अंदर जो प्री मानसूनी बारिश का अलर्ट है वो जारी किया गया है। साथ ही साथ कुछ राज्यों के अंदर जो है वो मानसूनी बारिश भी जो है वो हो सकती है। तो इसके बारे में आपको जो है वो अपडेट देने की कोशिश करूंगा। ये जो मौसम की जानकारी है ये 5 व 6 जून 2020 के लिए जो है वो भारतीय मौसम विभाग के द्वारा जो है वो दी गई है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और साथ ही कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखना कि आप जो है वो भारत के अंदर किस राज्य से किस ज़िले से बिलोंग करते हैं और फिलहाल किस तरह का मौसम जो है वो आपके एरिया के अंदर बना हुआ है। तो देखिए दोस्तों, फिलहाल अगर राजस्थान के मैप के अंदर बात करें तो जो लो प्रेशर सिस्टम के रूप में जो निसर्ग चक्रवात है वो लगभग अभी जो है वो उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी हिस्से हैं या आप ये कह सकते हैं कि पश्चिमी बिहार के आसपास जो है वो आ चुका है, जिसकी वजह से आगे आने वाले लगभग 24 घंटों के अंदर यहाँ पर जो है वो आप कह सकते हैं कि महाराजगंज के अंदर, साथ ही साथ कुशीनगर के अंदर, इसके साथ साथ में बात करें तो आजमगढ़ के अंदर, वाराणसी के अंदर, मिर्ज़ापुर के अंदर और इसके साथ साथ में बात करें तो पीलीभीत, लखीमपुर सहित जो उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं वहाँ पर जो है वो काफ़ी अच्छी बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ में बात करें तो मध्य प्रदेश के भी जो पूर्वी ज़िले हैं यानी जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि अनूपपुर के अंदर, संगरौली के अंदर, रीवा, छतरपुर, टीकमगढ़, इसके साथ साथ में जो है वो दमोह, भोपाल, ग्वालियर सहित विभिन्न जिलों के अंदर जो वो हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया गया है। बिहार के अंदर भी बात करें तो इसके कारण जो है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो प्री मानसूनी बारिश है वो पश्चिमी चंपारण के अंदर, गोपालगंज के अंदर, इसके साथ साथ में जो वो सिवान के अंदर, बक्सर के अंदर, इसके साथ साथ में बात करें तो समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और इसके साथ साथ में सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ पर जो है वो देखने को मिल सकती है। और कुछ स्थानों के ऊपर यहाँ पर जो है वो तेज़ बारिश भी हो सकती है, जबकि उत्तराखंड और पूर्वी बिहार के अंदर यानी आप कह सकते हैं कि पूर्णिया और आसपास के ज़िलों के अंदर भी जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो आगे आने वाले लगभग 24 घंटों तक जो है वो जारी रह सकती है। इसके साथ साथ में पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के अंदर यानी पूर्वी पश्चिम बंगाल के अंदर, इसके साथ साथ में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय, इन सभी राज्यों के अंदर अभी जो है वो नमी वाली हवाओं की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ने का अनुमान है, जिसके कारण इन सभी राज्यों के अंदर बारिश की गतिविधियों के अंदर जो है वो वृद्धि हो सकती है। इसके साथ साथ में उत्तरी भारत के अंदर जो पर्वतीय इलाके हैं उनकी बात की जाए तो यहाँ पर भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर जो है वो हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया गया है, जबकि पंजाब और हरियाणा के भी खासतौर से बात करें तो उत्तरी ज़िलों के अंदर यानी जिनके अंदर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर और आसपास के ज़िले, इसी तरह से हरियाणा के अंदर भी अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर के आसपास के ज़िलों के अंदर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है, जबकि दक्षिणी और मध्य पंजाब के अंदर भी यानी मुक्तसर, बठिंडा, फाजिलका और आसपास के ज़िलों के अंदर भी हल्की बारिश का अनुमान है। साथ ही साथ हरियाणा के भी खासतौर से हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ और इसके साथ साथ में जो है वो फतेहाबाद और आसपास के ज़िलों के अंदर हल्की बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। राजस्थान के अंदर अगर बात की जाए तो राजस्थान के खासतौर से जो पूर्वी ज़िले हैं यानी जयपुर के आसपास के ज़िले, इसके साथ साथ में हाड़ौती क्षेत्र यानी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अंदर अच्छी खासी बारिश का अनुमान है। इसके साथ साथ में जोधपुर संभाग के अंदर भी यानी जोधपुर के अंदर, साथ ही साथ जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, इन ज़िलों के अंदर भी हल्की से मध्यम बारिश जो है वो जारी रह सकती है। नागौर के भी कुछ हिस्सों के अंदर हल्की से मध्यम बारिश का जो अनुमान है वो लगाया गया है। साथ ही साथ गुजरात के भी खासतौर से जो पूर्वी ज़िले हैं वहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ जो है वो होने का अनुमान है। पूर्वी महाराष्ट्र और उत्तरी महाराष्ट्र के अंदर भी बारिश की गतिविधियाँ जो है वो हल्की से मध्यम बारिश के रूप में जो है वो हो सकती है। साथ ही साथ तटीय इलाकों के अंदर भी यानी मुंबई, ठाणे के अंदर भी हल्की से मध्यम बारिश जो है वो आगे आने वाले लगभग 24 घंटों के अंदर देखने को जो है वो मिल सकती है। साथ ही साथ बात करें तो कर्नाटक के अंदर, केरल के अंदर, साथ ही साथ तमिलनाडु राज्य के अंदर भी अभी जो है वो हल्की से मध्यम बारिश और खासतौर से केरल के अंदर तेज़ बारिश हो सकती है, क्योंकि अभी ये जो मानसूनी ट्रफ है वो धीरे धीरे उत्तरी दिशा की तरफ जो है वो बढ़ रही है, जिसके कारण बात करें तो केरल के साथ साथ में तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों के अंदर और कर्नाटक के भी खासतौर से दक्षिणी जिलों के अंदर बारिश की गतिविधियों के जो अंदर जो है वो वृद्धि हो सकती है। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी आंतरिक इलाकों के अंदर जो ज़िले हैं वहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया गया है, जबकि तेलंगाना के अंदर अभी लगभग मौसम के शुष्क बने रहने का या बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश की संभावना जो है वो नहीं है। छत्तीसगढ़ के भी खासतौर से जो उत्तरी ज़िले हैं यानी बलरामपुर और आसपास के जो ज़िले हैं यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश आपको जो है वो देखने को मिल सकती है। ओडिशा के भी उत्तरी तटीय इलाकों के अंदर हल्की से मध्यम बारिश का जो अनुमान है वो लगाया गया है। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए, चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।